हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, गई थी मार्केट सब्जियाँ लेने, जो सब्जी लेके आई हूँ और पता है इतनी महंगी सब्जियाँ हो रही हैं कि मतलब सुन के दंग रह जाता है इंसान कि मतलब अब खाएंगे तो कैसे खाएंगे कि बड़ी सारी सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही हैं। अब टमाटर मैं बताऊँ आपको, जो थोड़ा सा ख़राब है वो 40 रुपया पाव है और जो थोड़ा सा बीच वाला है वो 60 रुपया पाव है और जो बहुत बढ़िया है वो 70 रुपया पाव मिल रहा है, मतलब 70 के 250 ग्राम। ये इंसान सोच भी नहीं सकता है कि इतनी महंगे टमाटर हो रहे हैं, इतनी महंगी चीज़ें हो रहे हैं। तो जो भी सब्ज़ियाँ लाई हूँ, खीरा लाई हूँ क्योंकि खीरा इनको भाई सलाद, इनको खाना से ज़्यादा सलाद देना होता है तो मैं खीरा ज़्यादा ले आऊँ हूँ। और ये सभी सब्जियों को मैं क्या करूँगी, धुल दूँगी। आम पहले से रखा था तो आम 1 ही केजी लाई हूँ, 1 केजी पे 4 ही आम आया है। और मशरूम 2 पैकेट ले आई हूँ जो बनाने वाली हूँ सुबह। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और समुचित होंगे। तो यहाँ पे बना रही हूँ शाम के खाना, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो दिन में थोड़ा सा हो गया था जुकाम, तो दिन में तो कुछ नहीं कर पाया, पूरा दिन सोने में चला गया। अच्छा, जुकाम हो जा रहा है तो आवाज़ तो पहले जाती ही है और चलने फिरने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। दो काम कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ और ये सब्जी के लिए तड़का भी तैयार कर रही हूँ। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाने वाली हूँ, सरगुदिया का। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना, जो तोरी होती है उसमें 3 वैरायटी होती है। एक मतलब एक थोड़ा थोड़ा का खिड़ड़ा सा होता है, एक छोटा छोटा चिकना चिकना सा होता है और एक बड़ा बड़ा सा होता है, तोरी बोलते हैं उसको। तो मतलब इन सारी चीज़ें एक ही तोरी ही होते हैं, बस उसका थोड़ा सा नाम चेंज है और देखने में भी चेंज होते हैं। और इसकी जो सब्जी है हमको तो सबसे अच्छा जो मतलब नेनुआ बोलते हैं बड़े वाले को यहाँ पे, और बीच वाला साइज जो होता है उसको तोरी बोलते हैं, और यहाँ पे जो ये जो छोटा साइज होता है उसको सरगुदिया बोलते हैं। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता भाई, और यहाँ पे तो यही बोलते हैं। तो इसके इसमें ज़्यादा कुछ हम नहीं डालेंगे, सिंपल सी सब्जी बनाऊँगी। सिर्फ तड़का लगा के लहसुन और मिर्चा का तड़का लगाऊँगी, इसमें मेन होता है लहसुन, तो लहसुन का ही तड़का लगेगा मेन। और लहसुन और हरी मिर्च डालूँगी, सूखी मिर्च नहीं डालना है क्योंकि सूखी मिर्च होती बहुत नुकसान करती है, तो मैं हरी मिर्च का तो फ्रेंड्स यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। तो कढ़ाई रख दिया, इसमें डाल दिया 1 चम्मच सरसों ऑयल डालेंगे। तो लहसुन हमने बात करते करते लहसुन की अपनी कटिंग कर ली थी और हरी मिर्च की तड़का लगाएंगे। बिल्कुल शाम में मैं सिंपल सा खाना बनाती हूँ क्योंकि सिंपल सा खाना बनाना शाम को इम्पॉर्टेंट होता। कई लोग तो शाम के, मेरे पापा हैं ना, तो शाम को वो खाना ही नहीं खाते हैं, सिर्फ दूध लेके सो जाते हैं। भाई हम लोगों का तो नहीं चलेगा, हमारा तो बिना खाए काम ही नहीं चलता है। तो ज़रूर 2 रोटी खाते हैं और 1 गिलास दूध लेते हैं रात को, और बिल्कुल सिंपल सा खाना मेरा रात को बनता है। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ शाम का मेरा रूटीन, जो मैं कितना जो काम मैं शाम को करती हूँ खाना से रिलेटिव, तो इस तरह से हमारा काम चलता है। तो देखिए सब्जियाँ हमने क्या किया, तड़का लगाया है, बस नमक ऐड कर दिया, यही है इसमें, बाकी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। लहसुन मिर्चा का तड़का लगा दिया, नमक ऐड कर दिया, बस हो गई हमारी सब्जी बन के तैयार। अब आम हम कट कर लेते हैं। तो आम बच्चों के लिए, ये टाइट आम जो है ये बच्चे खाएँगे, अम्मा अपने लिए थोड़ा सा लूज आम रखती हैं, तो ये मैं बच्चों का काट दूंगी, अम्मा अपना कर लेंगी खुद ही, क्योंकि वो अपना छांट के ले लेते हैं कि हमको क्या खाना है क्या नहीं। तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही कट कर रही हूँ आम यहाँ पे। और आम का सीज़न है तो भाई आम तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत ज़रूर, तो लेकिन ये जे आम का रेट सही है मार्केट में, क्योंकि जो थोड़ा सा ऐसे है वो 100 का 2 किलो, 100 का 2.5 किलो और 100 का 2 किलो, और ये मैं लाई थी 120 रुपया किलो, क्योंकि टाइट आम ही हमें पसंद है तो इसलिए मैं इसको लाई थी। और अब बनाना स्टार्ट कर देंगे रोटी, क्यों सारी तैयारियाँ, सलाद काट देती हूँ और आम वगैरह कट करके रख देती हूँ, पानी रख देती हूँ टेबल पर, तो मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी बहुत गरम गरम खाते हैं। तो जैसे 2 रोटी मैं बना लेती हूँ, उसके बाद सबके सामने जैसे जैसे बनाते हैं वैसे पेश करती जाती हूँ। सबकी ठंडी रोटी खाने की नहीं आदत है, सब गरम गरम खाना चाहते हैं, और मेरी मुझे भी बहुत सही रहता है कि मैं गाय माता के अलावा रोटियाँ बना के रख देती हूँ, और वैसे बनाती हूँ तो मुझे आइडिया नहीं लगता है कि कितना कौन खाएगा, और आइडिया किसी को भी नहीं लग सकता है। कभी कोई 3 रोटी खा लिया, कभी 2 ही खाया, कभी 1 ही खाया, इस तरह सबका खान पान रहता है।
होता है, तो यहाँ पे फटाफट पहले बना देती हूँ रोटियाँ और उसके बाद में परोसना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब हम पहले खाना इनको दे आएंगे, इन्हें तो बिल्कुल सिंपल सा प्याज भी देते हैं, इस तरह से खाना पहले दे आती हूँ इनको। अम्मा शाम में सलाद नहीं खाते हैं तो दे देती हूँ। तो इस तरह से हमारे खाने के रूटीन होता है, दो दो स्लाइस इस तरह आम दे देंगे। आम इनको शुगर पड़ा है तो मैं ज़्यादा नहीं देने वाली हूँ, दो ही टुकड़ा देंगे इनको। प्याज दे दे दूँगी क्योंकि रात को कहते हैं खीरा नहीं खाना चाहिए, तो मैं खीरा नहीं कट करी हूँ, पहले खाते थे लेकिन अभी जल्दी से ही खीरा खाना बंद हो गया है। अब जो छोटे मोटे काम है, खाना ख़त्म हो गया है, खाने वाली कहानी, तो जो छोटे मोटे काम है ये पहले मैं अपना दवा खा लूँगी क्योंकि मुझे हो रही है जुखाम बहुत ज़ोरों का, तो इसलिए पानी लेके जा रही हूँ, दवा खाती हूँ। तो दवा खाने के बाद हम पहले अम्मा को दूध देंगे क्योंकि अम्मा सो जाएंगी और अम्मा थोड़ा जल्दी सो जाती हैं, तो दूध पहले दे के आती हूँ। थोड़ा सा गिर गया तो इसे मैं तुरंत साफ़ करके ही जाऊंगी वरना ये तो चींटियाँ आ जाएंगी। ठीक, तो इसे मैंने साफ़ कर दिया, अम्मा को दूध देके आती हूँ। उसके बाद ये भिगाएंगे अपने लिए। एक चम्मच सौंफ वाला पानी लेती हूँ सुबह, आजकल अजवाइन बंद कर दी हूँ, सौंफ ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से अजवाइन ले रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा गैप करते हैं। तो ये हम ले रहे हैं सौंफ, ये मेथी क्या बोलते हैं इसको, सौंफ नहीं नहीं यार, जीरा वाला पानी, और इनके लिए ये भिगा रही हूँ। मेथी दाना है, अपने लिए मैंने भिगाया जीरा और इनके लिए मेथी, और ये भी भिगाना है हमें सबके लिए चना। सुबह में नाश्ते में मैं सोच रही हूँ चना बना दूँगी बच्चों का, तो इस तरह से थोड़ा सा चना भिगा देती हूँ। तो मतलब चना तो रोज़ ही भिगा देते हैं क्योंकि एक मुट्ठी चना मैं भी खाती हूँ सुबह कच्चा, इस तरह से भिगाया रहता है। तो सारी चीज़ों को मैं धुल के ही भिगाती हूँ कि ताकि मतलब साफ़ रहे, इसका डस्ट वगैरह जो रहे वो निकल जाए। तो अब ये देखिए इसे भिगा दिया और इसे ढक के छोड़ देंगे। अभी एक चीज़ बाकी है जो है बादाम, जो बादाम भी मैं भिगा देती हूँ। तो अब देखिए इतना समय इसमें गया, ये शाम का रूटीन है। सुबह में तो मतलब होता है अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग चीज़ें होते हैं, लेकिन शाम में काम कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ से मैंने जो डब्बे उठाए हैं वहाँ रख देंगे वापस से सारी चीज़ों को। तो यहाँ से मतलब अब होते हैं तो किचन वगैरह मेरा बिल्कुल साफ़ होता है, शाम को ही सारी चीज़ों में साफ करके सोती हूँ। ओपन है सारे चीज़ें तो इस तरह से डब्बे वगैरह सारे दिखते हैं मतलब। और ये सुबह के लिए मैं इनके लिए पहले तो मैंने सब्जियाँ सारे रख दिया, लेकिन कल की है ये भी धुली होती हुई थी लेकिन पॉलिथीन में रखी रहती ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो दोबारा से मैं धुलूँगी। इसे धुल दे ही उसके बाद कपड़े से तौल से पोछूँगी तब फिर कट करूँगी, और इसे कट करके मैं रख देती हूँ फ्रिज में। अच्छा एक चीज़ बताऊँ फ्रेंड्स, अगर भिंडी की सब्ज़ी हम कट करके फ्रिज में रख देते हैं तो इसमें एक चीज़ होता है, लाशा बिल्कुल भी नहीं निकलता है और हमारी भिंडी जो है बहुत खिली खिली सब्ज़ी बन के तैयार होती। तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का ब्लॉग छोटा सा था फ्रेंड्स, थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना देर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो कर देती हूँ किचन की क्लीनिंग, और ये हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग था। तो हमारा